वेलकम टू द शमास रेसिपीज़। मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी राजमा, एक्चुअल में पंजाबी राजमा। पंजाबी राजमा खाने में बहुत ही डिलीशियस होता है, बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं पंजाबी राजमा। पंजाबी राजमा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप राजमा ले लिया था। इसे 7-8 घंटे मैंने भिगो दिया था, ये भिगो के डबल हो गया है। एक और ख़ास बात है कि राजमा भी 2 प्रकार के होते हैं। एक वो रेड वाला राजमा आता है, वो कश्मीरी राजमा होता है, और एक ये राजमा होता है जिसे चित्रा राजमा बोलते हैं। तो पंजाबी लोग चित्रा राजमा ही खाते हैं, और कश्मीरी जो राजमा होता है वो बहुत ही हार्ड होता है गलने में। सेकेंड इज़ ये ले लिए हैं मैंने ग्रेट करके 2 अनियन, 3 टमाटर। मेरे जो ये टमाटर हैं ये देसी टमाटर हैं, इसे भी मैंने ग्रेट कर लिया है। ये मैंने 3 हरी मिर्च ले ली हैं बारीक काट के। जिंजर और गार्लिक को भी मैंने ग्रेट ही कर लिया है। 1 छोटी चम्मच जीरा ले लिया है। 3 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। कुछ मसाले ले लिए हैं यहाँ पर मैंने, नमक स्वाद अनुसार, कश्मीरी लाल मिर्च 1.5 चम्मच, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर या उससे थोड़ा सा कम, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं पंजाबी राजमा। राजमा बनाने के लिए मैंने कुकर ले लिया है, गैस का फ्लेम कर दिया है ऑन। इसमें डालते हैं अपना ऑयल। गरम होने देते हैं ऑयल को। और एक चीज़ और दोस्तों मैं बताना भूल गई आपको, 2 पिंचेस मैंने यहाँ पर हींग ले ली है। तो जब तेल गरम हो जाएगा सबसे पहले हम हींग डालेंगे। तेल को गरम होने देते हैं। तेल गरम हो चुका है, इसमें डालेंगे हम अपनी हींग। फिर डालेंगे अपना ज़ीरा। डालेंगे अपनी प्याज, लाल होने देते हैं अपने प्याज को थोड़ा सा। अब डालेंगे इसमें जिंजर और गार्लिक। पंजाबी में जिंजर गार्लिक बहुत खाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है जिंजर गार्लिक। चलाते हैं, हल्का सा भुनने देते हैं। डालते हैं अपनी टमाटो, हरी मिर्च, चलाएंगे। भुनने देते हैं अपने मसाले को थोड़ा सा। इसमें डालेंगे अपने सारे मसाले एक साथ, हल्का सा पानी 1 टेबल स्पून के करीब, चलाएंगे। भुनने देते हैं 2 मिनट मसाला। मसाला भुन गया है, पानी डालेंगे, सॉरी राजमा डालेंगे अपना। हल्का सा भुनने देना ज़रूरी है राजमा को। एक मिनट के लिए भून लेते हैं अच्छे से राजमे को। अब डालेंगे इसके अंदर हम पानी। 1 कप राजमा है, 4 कप पानी डालेंगे। ये हमने बिना उबाले राजमा बनाया है। अगर आप बिना उबाले राजमा बनाएंगे तो यकीनन टेस्टी बनना है वो। लगने देते हैं इसमें 5-6 सीटी। ढक्कन बंद करते हैं राजमे का, कुकर का। लगने देते हैं इसमें 5-6 सीटी। लास्ट सीटी आ चुकी है, गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं, प्रेशर निकलने देते हैं इसका। प्रेशर ख़त्म हो चुका है, खोलते हैं ढक्कन।
देखते हैं राजमा अपना। राजमा तो लगभग हमारा पूरा गल गया, देखिए प्रेस कर रहे हैं तो बिल्कुल गला हुआ लग रहा है। अब हमें इसे खोल के पकाना है 8 से 10 मिनट के लिए। खोल के पकाते हैं इसे, गैस का फ्लेम फिर से ऑन कर लेते हैं। ये 1 टेबल स्पून के करीब मैंने कसूरी मेथी ले ली है, इसे से हाथों से क्रश करके डालेंगे। जी हाँ, पंजाबी राजमे में कसूरी मेथी भी डलती है। चला देते हैं, साथ ही थोड़ा सा डालते हैं आपका कोरिएंडर जो मैंने काट के रख लिया है। पकने देते हैं इसे, गाढ़ा होने देते हैं। राजमा चेक करते हैं अपना। जी हाँ, हमारा राजमा बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। सर्व करते हैं इसे। पंजाबी राजमा खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, बहुत ही स्वादिष्ट बना है, बहुत ही डिलीशियस बना है। वैसे ये प्लेट देखकर किसी का ही मन करेगा खाने का। एक ख़ास क्वालिटी और है पंजाबी राजमे की, छोले की, कि ये बनाने के बाद नेक्स्ट डे अच्छे ज़्यादा लगते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।